नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिफेंस प्रेस में। श्रीलंका राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसा के बाद देश में लगा आपातकाल। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास के पास बैरिकेड्स पर धावा बोल दिया था और वाहनों में आग लगा दी थी। घटना के बाद सेना को तैनात किया गया है और उनके पास बिना वारंट भी संदिग्धों को गिरफ्तार करने की छूट दी गई है। गुरुवार को राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन प्रदर्शन में शामिल होने वालों का दावा है कि जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की और लोगों को मारने लगी, तब ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किए। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के हवाले से एक अधिकारी के बताया कि झड़प के दौरान कम से कम 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 53 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और 5 समाचार फोटोग्राफरों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया और एक पुलिस थाने में उन्हें प्रताड़ित किया गया। सरकार का कहना है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी के मामले में जांच की जाएगी। कैसे बने ये हालात श्रीलंका की भयानक आर्थिक स्थिति के लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि इससे उसके पर्यटन क्षेत्र पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है। वहीं कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के कुप्रबंधन और लगातार कर्ज लेने के कारण इतने बुरे हालात पैदा हुए हैं। श्रीलंका ने मार्च 2020 में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके और इसके जरिए विदेशी कर्ज चुकाने के लिए $51 अरब बचाया जा सके। वहीं हाल के दिनों में श्रीलंका में डीजल की कमी के कारण भी हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए किए गए, लेकिन इस दौरान किसी बड़े नेता के खिलाफ ऐसा होते नहीं देखा गया। अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को देश के सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं था। देश की सरकारी बिजली कंपनी ने कहा था कि वो गुरुवार से 13 घंटों का पावर कट करने जा रही है, क्योंकि उसके पास जनरेटर्स के लिए डीजल नहीं है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि श्रीलंका लगातार दुर्घटनाग्रस्त अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी परेशानी में है, जिससे उन्हें अपने देशवासियों को इतना नुकसान हो रहा है। हम केवल उनकी अर्थव्यवस्था के तेजी से ठीक होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डिफेंस प्रेस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।